हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। बजरंग को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। पार्टी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 28 विधायकों को टिकट दिया गया है। जेल में बंद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा 5,00,000 रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। धारा 370 इतिहास बन गई है, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मैलेम्बम कोइरेंग के घर पर कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम से हमला किया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 3 बार राज्य के CM रहे। उनका निधन 27 दिसंबर 1994 को हो चुका है। इसके अलावा शुक्रवार को ही विष्णुपुर जिले के टोंगला ओबी इलाके में रॉकेट बम से हमला हुआ था। इसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने पहली बार मणिपुर में एंटी ड्रोन मीडियम मशीन गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये फैसला 1 से 3 सितंबर के बीच राज्य में 2 ड्रोन हमलों के बाद लिया गया है। कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये कार्रवाई की। 7 घंटे की कार्रवाई के बाद एजेंसी ने घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को हिरासत में ले लिया। चटर्जी को आर्जिकर के सेमिनार हॉल से वायरल हुए वीडियो में भी देखा गया था।